तो फ्रेंड्स, आज हम बकरीद स्पेशल में ये कबाब की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम कीमा लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर उसका पानी निथार लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने यहाँ पर चॉप करके डाल दिया है। एक मुट्ठी हरा धनिया और 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पीसी हुई लहसुन की हरी मिर्च डाल दी है इसमें। और नमक मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाला है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर कूटा हुआ धनिया और सौंफ का पाउडर डाल दिया है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर कूटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाल देना है और 1 से 2 टेबल स्पून हमें यहाँ पर कॉर्नफ्लावर और 1 से 2 टेबल स्पून हमें यहाँ पर बेसन आटा डालना है। 1 से 1.5 चम्मच हमें यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है और 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर हल्दी ली है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमें इसके कबाब बना लेना है। तो हमने हाथों को तेल लगा लिया है और इस तरीके से हमने कबाब बना लेना है। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से शेप दिया है और ये इस तरह से हमें ये सारे कबाब बना लेने हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से ये बकरीद स्पेशल में मैंने जो ये कबाब बनाए हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम एक एक करके सारे कबाब इसमें डाल देंगे और कबाब को मध्यम धीमी आँच पर हमें फ्राई कर लेना है। तो कबाब का कच्चापन अंदर से भी अच्छे से पक जाना चाहिए। तो कबाब ऊपर से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, पक चुके हैं हमारे कबाब, फ्राई हो चुके हैं। तो ये हमारे बकरीद स्पेशल कबाब बिल्कुल रेडी है।